हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारी कुकीज़ की क्लास नंबर 3। तो आज हम बनाएंगे पीनट की कुकीज़, और ये इतनी सिंपल है और ओनली 3 इंग्रेडिएंट से बनी हुई कुकीज़ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी रेसिपी। तो कुकीज़ के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं 1 कप मूंगफली के दाने, जिसे हमने रोस्ट किया और इसका छिलका निकाल लिया है, और 3 टेबल स्पून लिए है पाउडर शुगर, और 1/4 कप हमने लिए है मैदा। आप चाहें तो इसकी जगह गेहूं के आटे का यूज़ भी कर सकते हैं। अब ये जो पीनट है, इसे हमें ग्राइंड करना है मिक्सर जार में। ये छोटे वाले मिक्सर जार का यूज़ कीजिएगा, और इसमें कुछ नहीं डालना है। ओनली इसे पल्स मोड पर आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। पीनट में अपना खुद का बटर या ऑयल होता है, जो ये रिलीज़ कर देता है पीसने के बाद, तो आपको इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद देखिए कितना अच्छे से पीस चुका है, एकदम पेस्ट जैसा टेक्सचर आ गया है इसका। अब इसे एक बोल में ट्रांसफ़र करना है, और इसमें हम डालेंगे पाउडर शुगर और मैदा, और इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपको मिक्सर थोड़ा ड्राई लगता है, तो आप इसमें 2 से 3 टेबलस्पून दूध का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून दूध का यूज़ किया था। इसे अच्छे से बाइंड करना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। और इसका एक डो लगा कर रेडी करना है, और इसे कुकीज़ का शेप देना है। इसमें हमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ऑयल, बटर कुछ भी नहीं डालना है। ओनली 3 इंग्रेडिएंट कुकीज़ है ये। देखिए इसके इस तरह से कुकीज़ बनानी है। थोड़ी सी हमने मूंगफली बचाई थी, जिसे थोड़ा क्रश किया है, और इस तरह से इसे कुकीज़ में कोट करना है, और सभी कुकीज़ बनाकर हमने रेडी करनी है। देखिए सभी कुकीज़ बन गई है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा मिल्क ब्रश करेंगे। ये मिल्क ब्रश करना ऑप्शनल है, इससे थोड़ा सा कलर अच्छा आता है। जो एग खाते हैं, वो कुकीज़ पे एग योक का यूज़ कर सकते हैं। और देखिए इसे बेक करना है। मैंने ओवन को 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पर प्रीहीट किया था, और इसे 15 टू 20 मिनट्स के लिए बेक करना है। 15 मिनट्स बाद आप चेक करके देख सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ, सभी के ओवन का टेम्परेचर डिफरेंट होता है। देखिए 20 मिनट बाद हमारी कुकीज़ बनकर रेडी हो गई है, और ये ठंडी भी हो चुकी है। ठंडी होने के बाद ही आप कुकीज़ को निकालिए, वरना बिखर सकती है ये। देखिए कितनी सुंदर लग रही है, कितना अच्छा कलर आया है इसमें, लाइट गोल्डन कलर आया है, और सभी कुकीज़ प्रॉपर बेक हुई है। आप इसमें क्रैक्स भी देख सकते हैं, ये परफेक्ट कुकीज़ बनने की निशानी होती है। देखिए मैं आपको इसको तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए कितनी सॉफ्ट है, जबकि हमने इसमें ना तो बेकिंग पाउडर, सोडा, बटर, ऑयल कुछ भी नहीं डाला है, फिर भी ये बहुत टेस्टी माउथ वाटरिंग कुकीज़ बनकर रेडी हुई है। आप मेरे कहने से एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। और ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कुकीज़ कैसी लगी। आप फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिएगा, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मैं फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।